आमतौर पर हम सबके गले में टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर इसका आकार बढ़ने लगता है तो उससे गले में दर्द होता है, जिसे हम टॉन्सिल भी कहते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी निकलने में परेशानी होती है। दरअसल हमारे शरीर में टॉन्सिल्स की मदद से व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं, जिससे हमें बाहरी वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है। बाहरी वायरस से लड़ते लड़ते इन्हें भी चोट लगती है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है। ऐसे में आपको कैसे खाना खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। अपने खाने में गर्म और तरल पदार्थ शामिल करें। अदरक की चाय, काढ़ा, गर्म पानी का सेवन जरूर करें। जड़ी बूटियों में अदरक, काली मिर्च और हल्दी का सेवन भी करें। ब्रेकफास्ट में गर्म और नरम ओट्स खाएं, इससे गले को राहत मिलेगी। टॉन्सिल्स की सूजन को कम करने के लिए पॉप्सिकल्स, ठंडा दूध और आइसक्रीम का सेवन करें। उबले हुए अंडे खाने से एनर्जी मिलती है और गले को राहत भी। ताकत के लिए प्रोटीन से भरपूर चिकन, शोरबा और सूप का सेवन करें। टॉन्सिल्स में उबली हुई सब्जियों का भी सेवन जरूर करें। क्या ना खाएं? सूखा खाना ना खाएं, तले हुए खाने से बचें, जंक फूड से परहेज करें, मसालेदार खाना बिल्कुल ना खाएं, शराब और सिगरेट का सेवन बंद कर दें, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां ना खाएं, टमाटर, खट्टे फल आपके खाने में शामिल ना करें। अपने खाने में बदलाव करने से आपके टॉन्सिल्स में दर्द कम होगा।